ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। पहले विदेशों में बीजेपी के मामले देखने वाले विजय चौथावले का ट्विटर पर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट पर वार, फिर अखबार के संपादक एली लोपेज का चौथावले पर पलटवार। ट्विटर पर हुई ये बहस सुर्खियां बटोर रही हैं। इस पूरे मामले की जानकारी आपको दें उससे पहले ये समझ लीजिए कि अमेज़न के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस का अखबार वॉशिंगटन पोस्ट मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लिखता रहा है। इस वजह से भारत दौरे पर आए बेजोस को भाजपा की आलोचना झेलनी पड़ी है। इस दौरे के बाद चौथावले ने ट्विटर पर लिखा, मिस्टर जेफ बेजोस, वॉशिंगटन में अपने कर्मचारियों को समझाइए, नहीं तो आपका रिझाने का प्रयास समय और पैसा बर्बाद करने जैसा होगा। इस पर लोपेज ने जवाब दिया, यह बात बेजोस नहीं बताते कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। स्वतंत्र पत्रकारिता सरकारों को रिझाने के लिए नहीं होती। हमारे पत्रकारों और कॉलमिस्ट का काम भारतीय लोकतंत्र की परंपराओं के मुताबिक होता है, इस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। चौथावले ने काउंटर करते हुए कहा था, क्या ये सही नहीं कि आपके डेस्क एडिटर ने भारतीय कॉलमिस्ट के कॉलम से सभी पाकिस्तान विरोधी बातें इस हद तक हटा दी थीं कि उन्हें अपना लेख कहीं और छापने के लिए देना पड़ा। इस पर एली ने जवाब में कहा, ये सही नहीं है, हमने पाकिस्तान की आलोचना वाले कई लेख प्रकाशित किए हैं। कुछ लेखकों को अपने लेख का संपादित होना ठीक नहीं लगता, वो उसे चुनौती मिलते नहीं देखना चाहते, इसलिए अगर वो हमारी कड़ी नीतियों का पालन नहीं कर सकते तो अपने लेख कहीं और छपवाने के लिए आज़ाद हैं। आपको बता दें कि अमेज़न के फाउंडर सीईओ जेफ बेजोस हाल ही में 3 दिन के भारत दौरे पर आए थे, लेकिन पीएम मोदी से बेजोस की मुलाकात नहीं हुई थी।